नमस्कार, स्वागत है आपका साथ के बिसात में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश के दिनभर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली की खबर से। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। पहलवानों ने कहा है कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने को लेकर शर्त रखी है। उनका यह कहना है कि नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए, जिससे कि पूछे जाने वाले और जवाब को जो पूछा जाने वाला जो सवाल है उसको देश भर के लोग सुन सके, समझ सके, इसका प्रसारण होना चाहिए। इससे लोगों तक पहुंचने की जो संभावना है वो होनी चाहिए। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए पहलवान बजरंग पुनिया ने टेस्ट के लिए सहमति जताते हुए अपनी शर्त रख दी। पहलवानों का जंतर मंतर पर पिछले 30 दिनों से धरना जारी है। मंगलवार को उन्होंने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का भी ऐलान किया। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि उनका नार्को, अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनके उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने साथ लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना, हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आने वाले समय में चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं के दौरे भी अब तेज हो गए हैं। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने संबोधन के दौरान जनता से माफी मांगकर लोगों को हैरत में डाल दिया। सिंधिया ने कहा कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैंने जो भी गलतियां की है उसके लिए माफी मांगता हूं। साथ ही उनका ये जो अंदाज है ये अब सुर्खियां बटोर रहा है। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। तो चुनावी साल है, ऐसे में किस वजह से उन्होंने माफी मांगी है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। तो चुनावी साल में किस बात की माफी उन्हें मांगनी पड़ रही है ये अब अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अजीत भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, एकाएक सिंधिया जी को माफी मांगनी पड़ रही है, ये माफी जो मांग रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? चुनावी मेला है, चुनाव का समय आ गया है तो अब तो जनता भी याद आएगी और जनता जनार्दन के रूप में पूजी भी जाएगी। आप देख रहे हैं चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या शिवराज सिंह जी, इन्होंने 16 साल से शिवराज सिंह लगातार मुख्यमंत्री हैं, अपनी बहनों की याद नहीं आई, अब लाडली बहना योजना स्टार्ट कर दे, कहीं कुछ किसानों का कर्जा खुद डिफॉल्टर किसानों को कर दिया, अब किसानों को कर्ज माफी को की घोषणा कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए था कि 3 साल से सरकार में है जो कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था उसके आगे के कर्जे ये माफ करते अगर ईमानदार हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चुनावी मगरमच्छी आंसू ना बहाएं राजनेता, अगर वास्तव में ही आत्मबोध हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तो अपने आसपास के उन लोगों को दूर करना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो उनके नाम से और उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार करते हैं, दलाली करते हैं पूरे अंचल में, जिसकी वजह से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हार का मुंह सामना देखना पड़ा था और आगे आने वाले समय भी उनके लिए राजनीतिक भविष्य कोई ज्यादा उज्ज्वल नहीं है। लेकिन अजीत भदौरिया जी, वो जब लड़े थे चुनाव, उनकी जो टीम थी, जो लोग निकल कर गए हैं,
कहीं ना कहीं वो तो कांग्रेस के टिकट पर ही, कांग्रेस के दम पर ही लड़े थे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और उसके बाद जब फिर से उपचुनाव हुए तो वापस से उनको जीत मिल गई। देखिए, उपचुनाव में जीत सत्ता के दम पे हासिल हुई। आप देखिए, लगभग सब लोगों को मंत्री बना दिया था शिवराज सिंह जी ने, जो लोग उपचुनाव लड़ने जा रहे थे उन सब लोगों को मंत्री बना दिया था। सत्ता का दुरुपयोग हुआ, फिर भी उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में उनको जो अपेक्षित सफलता मिलना चाहिए थी उपचुनाव में, वो नहीं मिली। जहां तक बात है उनको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हार का मुंह देखने का, तो मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को, परंतु उसमें जितना ज्यादा योगदान उनकी कार्यप्रणाली और उनके आसपास के लोगों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का है, उतना मुझे लगता है किसी दूसरे का हाथ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत भदौरिया जी। चलिए बढ़ते आगे। हमारे देश की राजनीति में भाषा एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोलबाला होता है जिसकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, लेकिन समय के साथ राजनेताओं की भाषा और आरोप प्रत्यारोपों की शैली भी बदलती जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। कमल पटेल ने कमलनाथ को मानसिक रोगी तक बता दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से उनका इलाज कराने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि अगर वो इलाज नहीं करवा पा रहे तो मैं करा दूं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनको जयंती बता रहे हैं, शुभ दिन बता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं, और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि ये मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर बताए। आगे कहा कि वो किसान पुत्र है, सामान्य परिवार से आते हैं। कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि वो छिंदवाड़ा के आदिवासियों का हक मारकर अरबपति बने हैं। साथ ही कहा कि मेरे बारे में एक लाइन भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने निकाली तो उस दिन आमने सामने बहस होगी। कमलनाथ से सवाल भी उन्होंने किया और पूछा कि आप बता दो 1984 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है, आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी, आप बता दो 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है, आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है, ये जवाब देश चाहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पन्ना आगमन से पहले ही पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी कार्यकर्ता श्री जुगल किशोर मंदिर में अनियमितता, अवैध उत्खनन, अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। कार्यक्रम में बाधा ना हो इसीलिए पन्ना पुलिस ने आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपना विरोध भी दर्ज किया। पन्ना
बढ़ते आगे, ग्वालियर में एक ऑडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे भीतरवार विधानसभा से विधायक लाखन सिंह का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में कांग्रेस विधायक ठेकेदार को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में विधायक पानी टंकी के निर्माण को लेकर ठेकेदार को धमका रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। दरअसल जिले के खैरवाया गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का काम चल रहा है, जहां विधायक सरकारी भूमि को अपने कार्यकर्ता का बताते हुए ठेकेदार को काम बंद करने के लिए कह रहे हैं। इधर पूरे मामले में कलेक्टर ने वायरल ऑडियो की जांच करने के लिए निर्देश दिए, और हालांकि INS 24/7 वायरल ऑडियो को लेकर कोई पुष्टि नहीं करता। तो इस ऑडियो में क्या कुछ है वो भी सुना देता है। वो टंकी जो बना रहा है उसको भामत बना है, तो वो विभाग ने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका। तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, सरकारी जगह है वो, कोई जगह नहीं है भामत बनाना। मैं तेरे से कह रहा हूँ, तो मेरे कार्यकर्ता की जगह है, वो कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। बामत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू ऐंट रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे ऐंट रहा था? तो वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या ऐंट रहा था, क्या बोला था मैंने? तू यार तेरे को ठेकेदारी से कहा दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि तू जाके वो करेगा। बेवकूफ हो जैसी, मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, बामत बनाना तू। ठीक है, तमाम सारी जगह वहां बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो इसलिए बनवा दी वहां पे। वो बोल कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे। तो कलेक्टर ने ऑडियो जांच कराने के लिए निर्देश दिए हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, जिस तरह का ये ऑडियो सामने आया, इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि हम तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इस पूरे मामले को जरा दर्शकों को विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, ये भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हैं लाखन सिंह, और उनका जो ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक ठेकेदार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं वो, और वो ठेकेदार से कह रहे हैं कि जो कोई एक जमीन है जो उनके समर्थक की है, जिस पर सरकारी पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये प्रस्ताव कलेक्टर के आदेश पर हुआ और उसमें निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन जो ये सब चीजें जो लाखन सिंह कांग्रेस के विधायक है, उनको रात नहीं आई और उन्होंने सीधे जो ठेकेदार को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो सो कॉल्ड ठेकेदार है उसको जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद ही फोन कर दिया है। और उसमें फोन में जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें कहा जा रहा है कि ये आप जो कलेक्टर का आदेश है उसको कलेक्टर से भी अपशब्द कहें, और उनसे कहा गया कलेक्टर क्या कर सकते हैं, और उसमें उनको बता दिया जाए कि विधायक जी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पानी की टंकी बने। इस तरह से धमकाने की कोशिश की है, लेकिन सीधे सीधे कलेक्टर से बात ना करते हुए उन्होंने जो ठेकेदार को धमकाने की कोशिश की है उसको लेकर जब कलेक्टर ग्वालियर से उनका वर्जन लिया तो उन्होंने कहा कि चूंकि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है तो इस मामले की जांच कराने के लिए जो संबंधित एरिया के SDM है उनको जांच करने के लिए कह दिया है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि इससे पहले भी जो एक कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह है, उससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक जमीन पर कब्जे करने की बात की जा रही है, और उसमें जो भतीजा था उनका लाखन सिंह का, वो धमका रहा है गाँव के लोगों को और कह रहा है कि जमीन हमारी है क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली थी। इस मामले की शिकायत भी अभी दो दिन पहले SP ऑफिस में की गई है, और जो समाज के लोग थे वो बाकायदा शिकायत करने के लिए SP के पास आए थे और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी देखकर एक छात्रा ने लौ जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई है, और उसने धर्मांतरण का दबाव बना रहे मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार करा दिया। दरअसल आरोपी पिछले 4 सालों से लड़की का शोषण कर रहा था, और छात्रा 3 दिन पहले ही फिल्म देखकर आई थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि नंदानगर इलाके में रहने वाली 22 साल की युवती की फैजान से दोस्ती थी। कोचिंग क्लास करने के दौरान 4 साल पहले ही उनकी दोस्ती हुई थी। फोन पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे इश्क में तब्दील हो गई। बाद में फैजान ने उसे खजराना बुला लिया और शादी का वादा कर उसका शारीरिक शोषण वो करता रहा।
इस दौरान वो छात्रा पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाता रहा और 17 मई को भी उसने धर्म बदलने की बात को लेकर छात्रा से मारपीट की। युवती बदनामी के डर से चुप रही थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद उसने विरोध करने का फैसला लिया और पुलिस के पास पहुंचकर अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। सक्ती जिले के पिहरीद गांव के राहुल साहू के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फरिश्ता साबित हुए। ये वही राहुल है जो कि घर के पीछे बोर में गिर गया था और 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बचाया गया था। अब राहुल के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिम्मेदारी भी भूपेश बघेल सरकार ने उठा ली है। किस तरह से राहुल का इलाज चल रहा है और किस तरह से राहुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, देखिए सर। दरअसल 10 जून 2022 को दोपहर में पिरहित गांव का राहुल साहू अपने घर के पीछे के बोर में गिर गया था। पूरे देश में बड़ी हलचल मची थी और सभी लोगों की निगाहें रेस्क्यू टीम पर टिकी रही और सीएम भूपेश बघेल लगातार रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग करते रहे। 105 घंटे का राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। हर किसी के चेहरे पर रौनक लौट आई क्योंकि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहुल रेस्क्यू जो मिशन था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग 60 फीट नीचे पिरहित गांव में एक बच्चा जिसका नाम है राहुल, वो गिर गया था और क्योंकि बोर खुला था और इसके कारण बच्चा अंदर 60 फीट गिर चुका था। लगभग ये जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में हमने 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें विशेष बात यह थी कि 105 घंटे इसलिए ये चला क्योंकि राहुल एक स्पेशल चाइल्ड है और वो जिस तरीके से उसने धाड़स बांध कर करके अपने अंदर 60 फीट डीप वो सर्वाइव किया है, उसके कारण पूरी जिला प्रशासन के द्वारा, पूरे जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत ही देर तक वो कार्यवाही की गई और उसमें बच्चे को सक्सेसफुल और सेफली हम लोग बाहर निकाल पाए। मैंने बताया कि राहुल एक स्पेशल, एक दिव्यांग बच्चा है और इसकी स्पीच थेरेपी की आवश्यकता थी, तो जिसके लिए स्पीच थेरेपी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में उस बच्चे का पूर्णतः ट्रीटमेंट चल रहा है और वह रायपुर में ही अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल साहू की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उसके संपूर्ण इलाज की घोषणा की। सीएम के निर्देश से राहुल का पिछले 9-10 महीने से इलाज जारी है, जिसके बाद राहुल को स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुआ है। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ ऐसे सीएम साहब को जो तत्काल, मतलब हम जैसे गरीब के मतलब बेटे अगर ऐसे गड्ढा में गिर गया हुआ, उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके निकाल दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सीएम साहब को और पूरा जिला प्रशासन को। और बेटा के अच्छा से इलाज भी हुआ थे और पढ़ाई भी हुआ थे और देखभाल भी हुआ थे, एकदम बहुत अच्छा है। और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हमेशा और अनुदान राशि भी दे है सर, हमारे मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री ला, और ऐसे मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए और हर हमेशा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह एक गरीब परिवार के बेटे का इलाज कराने का बीड़ा उठाया, उसके बाद भूपेश सरकार की संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। INH न्यूज़ ब्यूरो।